हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक सीम्स। तो गाइज, मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ एक मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा कोपा अमेरिका सेकंड लीग का मैच, मतलब सेकंड मैच है इस लीग का। वैसे बहुत मैच हो चुके हैं, बट आज के दिन की बात कर रहा हूँ। तो ब्राज़ील वर्सेस कोलंबिया के बीच मैच होने वाला है 4 घंटे 41 मिनट के बाद। बहुत ही ज़्यादा सेफ टीम है, बस एक आधा रिस्क तो हम लेंगे ही, वो मैं आपको बताऊँगा क्या रिस्क है इस मैच के अंदर। तो इस मैच की फाइनल टीम जो रहेगी वो शायद मैं कोशिश करूँगा आपको लाइनअप्स के बाद देने की मैं अपने इस चैनल पर, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के लिए, तो सिर्फ अगर आप देख रहे हो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के लिए देखना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। बात करूँ मैं इस मैच की तो वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगी, बट बात करूँ विनिंग रेशियो की तो यहाँ पे 70% जीतने के चांसेस हैं ब्राज़ील के और 30% जीतने के चांसेस हैं कोलंबिया। तो भाई किसके फेवर में रहना पसंद करोगे? तो मैं तो ब्राज़ील के साथ हूँ, मैं साफ साफ बता दूँ। मैं चाहता तो फेवर चेंज कर सकता हूँ, कुछ नहीं है भाई, एक आधा प्लेयर ही चेंज करना पड़ेगा मैं यहाँ पे, बट मेरे को थोड़ा सा क्रेडिट इशू है जिस कारण मैं थोड़ा चेंज नहीं कर रहा। बट मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, एक प्लेयर मैंने आपको बताना है रिस्की कौन सा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। डी ऑस्पिना को तो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ओपोनेंट टीम के पास न्यूमर है, और न्यूमर पेनल्टी टेकिंग में बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं, कई बार पेनल्टी छूट भी जाती है, तो डी ऑस्पिना उस बात का फ़ायदा उठा सकता है। और वो डी ऑस्पिना आज के मैच के अंदर कॉमन गोल कीपर है, ये तो आप सब जानते हो, ठीक है। अब आगे से बात करूँ कुछ मेन प्लेयर की, एक तो डी सिल्वा और वन अनदर प्लेयर जिसका नाम है मार्को इनोस। तो ये मार्को इनोस को आप देख रहे हो, मार्को इनोस एंड डी सिल्वा का असिस्ट एंड गोल रेशियो बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा। अब आपको लग रहा होगा दिखने में डिफेंडर है, लेकिन हाँ ये बस दिखने में डिफेंडर है, वैसे अगर आप देखोगे तो आपको एक बार हैरान है जाएगा। और मार्को इनोस ने तो यहाँ तक कि पिछला मैच खेला भी नहीं था पेरू के खिलाफ, वेंजुला के खिलाफ तो ऑलरेडी गोल भी मार चुका है, इसको रेस्ट दिलाया था पिछले मैच में। तो आगे से बात करूँ नेक्स्ट पर की अलेक्सेंड्रो करूँगा, सैंड्रो ने पिछले मैच के अंदर गोल किया, मतलब मार्को इनोस नहीं खेला तो सैंड्रो चल गया, ये क्या बात है, क्या डिफेंडिंग है ये दोनों की आपस में। अगर ये दोनों प्लेइंग 11 में आ जाए ना तो बहुत ज़बरदस्त होगा, बट इन दोनों में से कोई शायद एक ही खेलेगा, जो नहीं खेलेगा हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। टी सिल्वा की बात करूं, आप यहां पे टी सिल्वा या फिर ई मिलिटाओ को ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि यहां पे हमने कुछ रिस्क लेना है, मैंने यहां पे पहले प्लेयर लिया था विलियम को, बट मेरे को विलियम पे थोड़ा सा रिस्क भी लग रहा है। अगर आपको सेफ जाना है देन टी सिल्वा इज बेस्ट, तो टी सिल्वा के साथ जाओ तो सिंगल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मिडिल मिडफील्डिंग की बात करूं तो जे क्वाड्रेडो के साथ मैं ले रहा हूं यहां पे, जुआन क्वाड्रेडो इज अ नॉर्मल प्लेयर, ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि कोलंबिया टीम है, उसके बाद ये एक बंदा डिफेंडर रह चुका है, अगर आप डिफेंडर को सीधा मिडफील्डिंग में डालोगे तो कहां से चलेगा भाई, टाइम तो लगेगा। गोल अगर सीधा अगर आप डिमांड करोगे कि गोल है, इतने लोग इसको कैप्टन रखते हैं विदाउट रीज़न, रीज़न कोई नहीं है लेकिन कैप्टन रखना है भाई नाम देख के, लेकिन नाम मत देखो काम देखो। रिचर्लिसन की बात करूँ तो रिचर्लिसन पिछले मैच के अंदर एक गोल और एक असिस्ट करके गया था, और पेरू के खिलाफ इसकी सिलेक्शन देखो जरा, आपको हंसी आ जाएगी, 31%, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट था, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, गोल करने का कोई फ़ायदा नहीं। बट जिन्होंने मेरी वीडियो देखी थी कई लोग टीम लगा के सो गए थे, तभी 31% है, तो क्या हुआ था जो लोग लगा के रह गए, ये कईयों का वाइस कैप्टन लगा रह गया था, तो उनकी ग्रैंड लीग में बड़ी अच्छी रैंक आ गई थी। तो रिचर्लिसन का भी श्योर नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी खेला तब भी मैं कहता हूँ कि ग्रैंड लीग में अगर लगाने, तो अगर ये नहीं भी खेलता तो एज अ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, एडविन कैरेडोना, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्लेयर उतना बेस्ट नहीं है, इसकी जगह यूराइप को ट्राई करना कर लो, बट यूरिप ने पिछला मैच नहीं खेला तो मैंने सोचा कि इसी के साथ जाना सेफ है। स्ट्राइकर की बात करूँ न्यूमर से, भाई न्यूमर जैसा प्लेयर ही नहीं, हर मैच के अंदर गोल, मतलब हाईएस्ट गोल वाला प्लेयर पता नहीं कब बनेगा, बट बढ़ रहे धीरे धीरे आगे। आगे से बात करूँ जी जीसस की, तो जी जीसस दोनों बार मैच खेल रहा है, बट ड्रीम टीम में नाम नहीं आया, पिछली बार भी असिस्ट की थी, मैं ये नहीं कहता क्योंकि गोल से पहले असिस्ट चाहिए होती है, तो मैं इसकी मेहनत बोलूँगा ऐसी बात नहीं है, बट ड्रीम टीम में नाम नहीं आ रहा क्योंकि डिफेंडर बहुत तगड़े हैं ब्राज़ील के। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, एम बोर्जा एक मिडल मिडफील्डर हुआ करता था, इन्होंने मुश्किल डाल दी हमारे लिए, एक तो क्रेडिट इशू दे दिया, उसके बाद म्यूरियल को छोड़ रहा हूँ दुख आ रहा है, म्यूरियल पेनल्टी टेकर है, इसको मैं कैप्टन रखता हूँ हर बार, आज मैं अपनी टीम में भी नहीं ले रहा, बड़ा रिस्क है, मुझे लग रहा है कि कुछ करेगा जीएल में, इसको कैप्टन ट्राई करना म्यूरियल को मेरे कहने पे। आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन है न्यूमर एंड वाइस कैप्टन है रिचर्लिसन। तो ये मेरी टीम का, इस मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।